be signing themselves off to a premature death. Oh, that's gonna be a fake smoke. Golu and Skills, they got theirs. And this is back to the 3v4. Spike has been dropped, Bunny. Gotta pick it right back up, but there is no form of map control whatsoever for FRQ, so they need to struggle. They need to push for this. But Bunny, he's lost his mind. He's dashed right into the Embracing Arms of Skills, and it's all down to 5k and Athena. They're gonna be pushing in here, Pinch. Okay, Skills is there, but only 5k to remain. He knows that one is at hell. He's being thrown out every single bit of utility, 25 seconds, and maybe, just maybe, he can run his way all through on A site. Skarossi is gonna at least not be able to mark this out, and 5k makes the right decision. Nobody's gonna be on the A site. He is just begging to maybe be able to make this plan happen and try to get a good positioning, but everybody is hounding him in, and SK Rossi already at his position, and that's gonna be, oh my god, oh no, not yet. He's got the ultimate. He's got the ultimate. He's gonna be swimming inside of this one, black and blue, and all they really have to do is come together, but they're not! What are you doing, Hellranger? 1v1, 5k, he still has it in him, and he's busted! Oh! दर्द है ना, बहुत दर्द है ना बाबा। लेट्स मूव ऑन, नहीं हो रहा है रे। अनेबल टू गेट इट आउट ऑफ माय हेड। मैं अनुज को भी वही बोल रहा था, हाउ कैन वी फॉरगेट इट, सो क्लोज येट सो फार का गाना हमारा नहीं रे, उन लोगों का है। व्हाट वी हैव मेड नो दैट इज नॉट अवर्स, इट इज फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स। हाउ रे, हाउ, मैं कुछ तो तोड़ दूंगा रात, मैं बोल रहा हूँ ना, एक प्लास्टिक बॉटल का हो गया, कुछ तो 100% तोड़ने वाला हूँ मैं आज। लास्ट राउंड बहुत चेस्ट हैवी हुआ था, हाँ चेस्ट क्या, सब हैवी हुआ था। प्लीज इंडियंस आर स्टॉप आस्किंग फॉर साउथ एशिया स्लॉट, वी वांट इंडिया स्लॉट, कुछ भी लिखता रहे पब्लिक। अरे आ जाता ऑब्वियसली VLT आ जाता, बट 1v3 था रे वहां पे, 1v3 था। So close yet so far, भाई लेकिन क्या बढ़िया खेला यार, क्या बढ़िया खेला भाई, सेक्सी खेला बे। वॉल्यूम हटा दिया, किसने अंडर परफॉर्म, उसने अंडर परफॉर्म, कुछ नहीं भाई, भाई प्रेशर होता है भाई, कोई मजाक है। हमने इधर छोटा टूर्नामेंट खेलने के लिए, वो भी स्ट्रीमर इनविटेशन, वो खेलने में हमको लगता है यार क्या होगा भाई, हम क्या करेंगे, चैट में क्या होगा, क्या सोचेंगे, ये सब इतने इजी नहीं है। तुम लोग क्या लगता है, वो लोग जो बैठ के सीधा गेम खेल रहे हैं, ऐसे नहीं होता यार, रिप्रेजेंट करने का मसला है यार। एवरीवन प्लेड वेल, सब ने प्ले अच्छा, इट्स जस्ट दैट दे एज अ टीम दे प्लेड बेटर इज व्हाट आई फेल्ट। बस गाइस मैं लिटरली, पता है क्या, वो जो राउंड हो रहा था ना तेरा भाई, ऐसे लेके ना पूरा हाइप अप हो गया था पीछे बैठ के, बहुत खुशी के मारे तेरा भाई उछल रहा था वहाँ पे। मार्जिल की अलग आवाज आ रही थी, अनुज भाई और मार्जिल ही है वहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ रुचिर बैठा हुआ था। तुम्हें तो वीडियो दिखाऊँ क्या, जो मैं वीडियो बना रहा था, लेकिन नहीं यहाँ से, उसके बाद थोड़ा सैड फेसेस थे ना, फिर हम बैंच ऐसे, क्या ये क्या हो गया, ये क्या, उससे पहले लेट्स गो, फिर एकदम से वो हुआ ना, एक मरा, अरे अरे अरे, फिर वाइपर की एल्ट लगी, अरे 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 क्या, फिर जो थ्रो, अरे भाई क्या हो गया, वो फुल कैप्चर करा मैंने। कोई दिक्कत नहीं, गाइस दे ट्राइड देयर बेस्ट एंड आई लव यू ग्लोबल स्पोर्ट्स, आई लव यू, समझ रहे हो गाइस। इतनू सा क्लोज थे यार हम लोग, इतनू सा बे, फक यार, वो एक 3v1 जो मार है ना वाइपर में, इतना बुरा लगा है मेरे को, इतना बुरा लगा है। लास्ट टाइम मुझे इतना बुरा लगा था 1992 में, समझ रहे हो, नहीं जब मैं पैदा नहीं होता तब नहीं, पर जो भी है रे, दर्द है रे बाबा, 1v3 रे हमारा था रे मैच, हाउ कैन वी मूव,
एस्टेरिया फाइटिंग क्या है? फील द वेलोसिटी हमारा ये तेरा भाई फुल हाइप अप, तेरा भाई फुल खुश रॉसी के लिए। ये मोमेंट मैं जो कैप्चर कर रहा था ना, मैं वो रॉसी के लिए कर रहा था, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये सीन याद है? अरे लिख रहे क्या वहां पे? अलग बार मार दिल, लेट्स गो अनुज भाई भी, लेट्स गो मार दिल कर, जीत गए क्या? वहां पे अलग खुश, ये वाला मोमेंट इसके बाद मत देखो, इसके बाद थोड़ा सैड फेसेस हैपेंस। यूनिवर्स वेदांत वेलकम वेलकम। अरे दो स्लॉट मांगना छोड़ देगा पब्लिक, इतना छोटी सोच कैसी है अभी भी? वी हैव गिवन F4Q अ रन फॉर देयर मनी, ओके? कोरिया का बेस्ट टीम है, उन लोगों को हमने भगाया है वहाँ पे, एंड यू आर स्टिल आस्किंग LCQ का स्लॉट, आस्क फॉर अ मास्टर्स का स्लॉट, क्या पूछ रहे हो? व्हेन विल योर माइंडसेट चेंज रे? LCQ का स्लॉट है, हाँ LCQ में दो स्लॉट दे दो, ये क्या है? आस्क फॉर फकिंग मास्टर्स स्लॉट। We will qualify for VCT directly, not a minor region anymore. VLT, see, VLT बोल रहा हूँ, India and South Asia is a major region. नहीं रे, नहीं 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 नहीं, पूरा that round I'm unable to get out of my head रे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं गाइस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। तो VCC का वो दैट आल्सो आई फॉरगॉट, बट दिस इज समथिंग आई एम नॉट एबल टू गेट इट आउट रे। इन द एंड नहीं, इधर ऐसे नहीं, इन द एंड इट डजंट इवन मैटर, इन द एंड भी इट मैटर्स किया वो लोग ने, कसम से बोल रहा हूं। टू गो ऑल द वे बेस्ट ऑफ 3 ऑल द वे OT and play with their goatees, समझ रहे? एकदम सेक्सी खेला भाई, वो लोग के कांप रहे थे, मालूम है वो लोग किस कांप रहे थे, वो लोग समझ रहे, वो डर आ चुका था बे। रॉसी फ्लिक, रॉसी का तो जाने वाला है, बैन है, लास्ट था, इसके बाद नहीं देखा, बैन है उसका, बैन। फिर हम लोग का हैशटैग अनबैन का ट्रेंड चालू करना पड़ेगा। रॉसी ने एंड में भी ऑलमोस्ट कर दिया था बे भाई, उसने जो क्विक जूम मारा है ना उधर, क्विक जूम, मैं लेजिट कसम से बोल रहा हूँ 0.25 के स्पीड में देखा मैंने, ठीक कसम से, जैसे ही उसने शॉट मारा ना, मेरे मन में एक ही चीज आया, समझ रहे, लौड़े का स्ट्रिक्स, लेकिन दर्द हुआ अनवित्री भाई। लेकिन कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, वो बंदे ने पीक लेके रॉसी को जो मारा है ना, जो मारा है ना उसने, और इतना प्रॉपर रॉसी ने रोटेशन दिया था, वो एल्बो देख रहा था, वो लोग वो किधर बाहर निकल ही नहीं सकता था, बाकी दोनों साइड से घुसते थे, उनका एल्बो बैकअप देता था, और वो दोनों मरते थे तो ये नीचे कूद के एकदम शक्तिवान घूम घूम के ऐसा पार्ट से क्विक जूम देता था, पूरा प्लान हो गया था। पता नहीं भाई अचानक से वाइपर के इसमें क्या आ गया, फिर अब भाई। थैंक यू सो मच फॉर द 100 ब्रो, थैंक यू सो मच सूरज, चिल पे, अब हो गया जो हो गया, अगले सीजन वापस का मिलेगा। मुझे लगता है अगली साल हम डोमिनेट करेंगे 100%, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी हमको समझ में आए लोग कैसे खेलते हैं, क्या सीन है, तो कुछ तो है, समझ, तो मुझे लगता है अगले साल हम डोमिनेट करेंगे। तो बात तो कंफर्म है, तो अभी देखो कितना मिला था उन लोगों को स्लॉट, 3 स्लॉट मिला था, और हमने उनको बराबर टक्कर दिया, और वो एक गेम को
एक टीम को हराया भी था हमने कोरिया का, तो अब भी मुझे लग रहा है अगले साल को मिलना चाहिए यार एटलीस्ट 2 स्लॉट या फिर 1 स्लॉट डायरेक्ट। मैं ये नहीं बात कर रहा LCQ सब, डायरेक्ट स्लॉट समझ रहे हो। आई गेस वी विल गेट स्लॉट। नहीं रे, नहीं, पूरा दैट राउंड आई एम अनेबल टू गेट आउट ऑफ माय हेड रे। ऐसा नहीं गाइस, नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। नहीं, VCC का वो दैट आल्सो आई फॉरगॉट, बट दिस इज समथिंग आई एम नॉट एबल टू गेट इट आउट रे। क्या करेंगे 1v3 का। हाँ एग्जैक्टली वही राउंड, कांट गेट इट आउट ऑफ माई हेड। वही बात कर रहा था अनुज से, टी बोन से, फाटो से, टॉकिंग द सेम थिंग, कांट गेट दैट राउंड आउट ऑफ माई हेड। होता है, क्या करेंगे। बट स्टिल गाइस वेरी प्राउड ऑफ ग्लोबल ई स्पोर्ट्स एंड व्हाट दे हैव डन, हैट्स ऑफ टू देम। एंड वी हैव शोड एवरी वन वॉट इंडियन वैलोरेंट इज एंड वॉट लेवल वी आर। सो एक चीज तो प्रूव हो गया दैट हम किसी से कम नहीं है। बट वो 1v3 था, दर्द हो रहा है ना बाबा। वापस रिस्टार्ट करवा दो, इजी जीत जाएंगे अभी, मैं बोल रहा हूँ। वॉट विल हैपन नाउ, वॉट विल हैपन नाउ, दे विल कम बैक टू मुंबई एंड विल स्टार्ट प्लेइंग टेक सीरीज 4, 5, स्काई स्पोर्ट्स, वही एनिग्मा, एक्सो, फैलर, SATL। टिल नेक्स्ट ईयर व्हेन वी सी VCC अगेन। नहीं रे, नहीं, नॉट लाइक दिस। बट एनी वे, एक 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 सेविंग ग्रेस है गाइस, वी आर नॉट डन येट। VLT Asteria इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम 23rd अक्टूबर एंड वी नीड ऑल यू गाइस सपोर्ट। इंडिया इज नॉट आउट येट, वी हैव वन। आज क्या पंप अप हो रखा था, मैं कसम से बताऊं गाइस, बहुत पंप अप हो रखा था मैं। हेलो मनमोहन, हाय दीप। टू लूज 1v3, याद याद मत दिलाओ यार वो राउंड, मेरे को वो समझ में आ गया था। अगर रॉसी उधर विफ किया मतलब उसका अल्ट आया, उसके बाद साथ में जा रहे तो कुछ कर सकते थे, समझ रहे हो। स्किप पैड, हेलो कास्ट स्किप पैड। एनीवेज गाइस व्हाट, इट्स ओके यार, क्या करे, विफ तो हुआ, विफ तो हुआ, क्या करे यार। हम सब देख रहे थे मैच इधर यूट्यूब में, मतलब ट्विच में, क्योंकि यूट्यूब में थोड़ा डिले रहता है ना, प्लस दो रुपए की चैट है वैसे भी, तो हम इधर देख रहे थे यार। मो के सामने से कोरिया वाले, यार मत बोल यार मेरी जान, मत बोल यार, बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन अच्छा एक्सपोजर मिला ऐसा लग रहा है। बात तो मैं अभी कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि इंडियन टीम है, कोरिया से तो है। अच्छा क्या बोलते हो गाइस, जिस हिसाब से उसने जेट डिव किया है रॉसी भाई ने, जेट डिव तो था हाँ कि ना बताओ, जेट डिव तो था हाँ कि ना बताओ, दिल से बताओ हाँ कि ना, जेट डिव तो था। एक बार VLR जीजी जाओ, ये देखो हम इधर से देख रहे थे, इधर ही देखा। तो मत दिलाओ यार, वो मेरे को लगता है जी वाले को कम से कम 1 साल नींद नहीं आएगा वो 1v3 1v3। दैट्स अ नाइट मेयर यार, वो चाहिए ना कुछ तो चाहिए हमें नाइट मेयर के लिए हर साल। भाई रॉसी का जो फ्लिक शॉट्स, वो कौन सा राउंड था यार, हेवन में ऐसे एक फ्लिक मारा भाई, सीएस गो की याद आ गई। जेट टिफ तो इधर ही दिख रहा है भाई। अभी अभी दिखेगा ना, ये देखो गाइस, बस ये नेवर माइंड।
अरे 2v3 लेट्स गो वन मोर बस बाहर मार दिल चिल्ला रहा है लेट्स गो किधर हो रहा है लेट्स गो बस इसके बाद कैप्चर नहीं करा मैंने मतलब इसके बाद दिखाना नहीं है 70,000 था ट्विच यूट्यूब नॉडविन सब डाल के भाई बहुत है भाई इंडिया कितना ज्यादा था सीएसगो में 1,000-2,000 मैक्सिमम हाँ अब सोचो जी इंडियन टूर्नामेंट्स में क्या खेलेगा इंडियन टूर्नामेंट्स में क्या ही खेलेगा